इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिले के नगर निगम और चांदी पंचायत के बीचों बीच अवस्थित कालीगंज पे, जहां हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष में नौमी और दशमी के तिथि में माँ महामालती शीतला माता की पूजा आराधना की जाती है। बता दें कि गंगा दशहरा के मौके पर यहाँ हर वर्ष भव्य रूप से पूजा किया जाता है, माता महामालती का, शीतला माता का पूजा किया जाता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सन 1947 से अब तक यहाँ पे पूजा होता हुआ आ रहा है। जो यहाँ पे पूजा करती हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या महत्व है पूजा का, क्यों पूजा किया जाता है, क्या वजह है, और यहाँ पे लोग कब से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, तमाम सवालों से हम इनसे भी बात करेंगे। इसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हर वर्ष जेठ मास के शुक्ल पक्ष में नौमी और दसवीं के तिथि में पूजा किया जाता है और यहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस एरिया में आज से वर्षों पहले यहाँ पे चेचक, एक बड़ी मात्रा में चेचक का बीमारी, रोग फैला हुआ था। यहाँ के आसपास के लोग सहित इस तमाम एरिया में यहाँ के लोगों को चेचक की बीमारी से परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यहाँ के जो भक्त हैं वो उन्हें पानी और तेल दिया जाता था, इसके बाद यहाँ के लोग ठीक हुए थे। और तभी से लेकर आज तक इस मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ती चली गई और लोग धीरे 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 यहाँ काड़वा बनता चला गया, और आज आंख मूंद के लोग इस मंदिर में आते हैं और मैया से अपनी मनोकामना करते हैं। हर साल यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 350 से 500 के बीच बलि प्रदान की जाती है। इसके अलावा लगभग पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल सहित अन्य जिला, या यूं कहें कि पड़ोसी देश नेपाल, या यूं कहें कि अन्य बिहार के अन्यत्र जो भी जिला है, तमाम जिले से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, यूं कहा जाए कि इस मंदिर में सच्चे मन से आने वाले हर भक्त की मुरादें मैया पूरी करती है। यहाँ पे आने वाले लोग कभी भी निराश होकर नहीं गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मंदिर में आना उनके लिए फलाफल साबित हुआ है। और यहाँ के लोग आने के बाद जो भी यहाँ पे आते हैं सच्चे मन से, उनकी हर मुरादें पूरी होती है। आइए हम यहाँ से बात करते हैं जो यहाँ के पूजा करती हैं, जो यहाँ के पूजा देख रेख करते हैं, मंदिर के व्यवस्थापक हैं, हम उनसे बात करते हैं जो यहाँ के भक्त हैं, जिनके ऊपर भाव आता है और यहाँ के लोगों का निरोग किया जाता है। यहाँ के लोगों का जो भी रोग होता है उन्हें निरोग किया जाता है, उन्हें जो भी दिया जाता है मंदिर से वो कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। और इसी का मूल वजह है कि हर साल लोगों का यहाँ पे भीड़ बढ़ता जाता है और लोगों की आस्थाएं दिन प्रतिदिन माँ के प्रति बढ़ती जाती है। न्यूज के लिए कुमार ध्रुव। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के रानी पत्रा स्थित कालीगंज चांदीबारी गांव में स्थित माता महामालती और शीतला स्थान में हर साल ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कलश स्थापना होती है और दसवीं तिथि को गंगा दशहरा के दिन भव्य पूजा का आयोजन होता है। 15 जून को निशा पूजा और 16 जून को गंगा दशहरा के दिन बलि प्रदान के साथ पूजा संपन्न होगी। प्रत्येक साल महामालती माता की पूजा में कोसी सीमांचल सहित पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, भागलपुर, साहेबगंज सहित आसपास के लोग आते थे। इस संबंध में भगत शकुंतला देवी ने बताया कि मंदिर की स्थापना 1987 में हुई, उस समय से हर एक साल पूजा हो रही है। भक्त ने बताया कि 1987 में भीषण बाढ़ आई थी तो पूरे इलाके में कोहरा मच गया। बाढ़ के बाद एक ऐसी बीमारी फैली जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सहित गाँव के गाँव लोग बीमारी के शिकार हो गए। कई माँ की गोद सूनी हो गई। तभी एक रात माता महामालती ने भक्त शकुंतला देवी को स्वप्न में दर्शन दिया। उसके बाद इस मंदिर की स्थापना करने की ठानी। ग्रामीणों की मदद से मंदिर का निर्माण कराया और माता महामालती की प्रतिमा स्थापित की गई। उसके बाद इस क्षेत्र से महामारी खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि माता के दरबार में आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, यहाँ से कोई खाली हाथ लौट कर नहीं जाता है। जी बताइए, क्या पूजा यहाँ पे किया जाता है? माँ शीतला का पूजा होता है हर साल, क्या कार्यक्रम होता है? 2 दिवसीय कार्यक्रम था, पूरी बताइए। यहाँ 5 दिन पहले पूजा होता है, 5 दिन से होता है, 5 दिन
कौन सा महीने में और कौन सा साल में? जेठ मास जून महीना। जेठ मास में होता है? हाँ, जेठ मास जून छठा महीना में हर साल होता है। हर साल 1987। कौन भगवान का पूजा होता है? माँ शीतला महामालती। महामालती माता का? महामालती माँ शीतला माता। कब से करते आ रहे हैं ये पूजा? 1987 से ये पूजा करते आ रहे हैं। क्या मन्नत है यहाँ पे लोग का? मन्नत पूरा होता है? क्या मन्नत पूरा होता है? मन्नत मांगता है, मन्नत पूरा होता है, चढ़ावा चढ़ाता है। मंदिर का स्थापित हुआ था क्या इस एरिया में? क्या हुआ था जो मंदिर का स्थापित किया उसके बाद? मंदिर स्थापित हुआ था, यहाँ महामारी था, माता उत्पन्न हुआ। हाँ। और हमको बोला तेल और पानी भर के देने के लिए, और देते देते महामारी खत्म हुआ, समय से पूजा होना शुरू हुआ, और हमको भी चेचक हुआ था 22 दिन तक वैसी माता। 1947 से करते आ रहे हैं थे हम, तभी से आज तक पूजा होता आ रहा है। 9 साल का उम्र था मेरा। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आता है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत जगह का आदमी आता है। कितने जिला का लोग आता होगा? जिला आता है, पटना का भी आदमी आता है, सिलीगुड़ी का आदमी आता है, नेपाल का आदमी आता है, जनकपुर से भी चढ़ावा चढ़ता है, उसकी बार भी चढ़ेगा। अच्छा, इस बार कितने तारीख को? सब जनरल अपना गांव का भी होता है। इस बार कितने तारीख को प्रोग्राम है यहाँ पे? इस बार है 15 को है इसका निशा पूजा रात्रि को, और 16 को दिन का पूजा। 16 को दिन में बलि प्रदान भी होता है, बलि प्रथा भी है, बलि भी दिया जाता है। अच्छा, व्यवस्था कैसे आप लोग कैसे हैंडल करते हैं इतना छोटा जगह पे? इतना छोटा जगह पे क्या करें, जितना जगह है उतने में काम चलाते हैं। पुलिस प्रशासन का सहयोग मिलता है? नहीं, सब आपको प्रशासन वगैरह यहाँ पे रहता है? हाँ, रहता है। सबों का सहयोग मिलता है? हाँ, रहता है। क्या नाम है आपका? गांव का भी आदमी रहता है। सबका सहयोग? हाँ, रहता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। यहाँ पे आप? हाँ, पुजारी है। यहाँ पे पुजारी है।